ऐसा फिजिकल होने लगा दैट आई गॉट मार्क्स ऑन माई फेस एंड माई आई एंड आई यूज टू कवर इट फ्रॉम द फाउंडेशन वेन ई केम टू यू नो फिजिकली हिट मी माई सन वॉज इन माई आर्म्स सो मेरे अंदर ये एक डर बैठ गया था सो मैनी थिंग्स दैट आई हर्ड दो ही तो थप्पड़ खाए हैं तीन ही तो थप्पड़ खाए हमने भी खाए हैं क्या हो गया थिंग इज दैट के

यू फॉल डाउन एंड यू पिक योर सेल्फ़ अप एंड देन अगेन यू स्टार्ट द जर्नी सो मेरे लाइफ में जो मेरा स्पीड ब्रेकर था वो है मेरी मैरिज तीन साल की मैरिज जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ सो so, क्या होता है इंडिया में वो कहते हैं पेरेंट्स कहते हैं कि अरेंज मैरिज कि अभी एज हो गई है ये हो गया वो हो गया तो अरेंज मैरिज कर लो तो मैंने भी सोचा भाई लव वव तो हुआ नहीं तो चलो डैड मॉम की बात मान के अरेंज मैरिज कर लेते हैं अरेंज मैरिज के स्टार्टिंग के जो पीरियड होते हैं वो है कोर्टशिप पीरियड कोर्टशिप पीरियड में जो कि यू नो मोस्टली हम लोग सोचते हैं कि क्या होता है कोर्टशिप पीरियड जब पे एक लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं समझते हैं जितना वो तीन चार महीने में जितना वो बात कर सके वो बात करते हैं तो वही सोच के मैं गई थी शादी में एंड मेरे लिए अगर मैं सोचूं कि शादी क्या होती है तो ये तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे मैरिज में फर्स्ट इज ऑनेस्टी सेकेंड इज लव एंड एंड थर्ड इज रिस्पेक्ट तो ये तीन फैक्टर्स से हम सोच के जाते हैं कि एटलीस्ट कुछ और नहीं तो ये तीन फैक्टर्स तो वो एक मैरिज में होंगे सो so, उसी तीन फैक्टर्स से मैं गई एंड वहाँ पर जो कोर्टशिप पीरियड था जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी शादी का उसमें ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी लाइक like, हमारी थिंकिंग मैच नहीं होती थी कॉन्वर्जेसन होनी चाहिए थी हमारे बारे में पर होती थी शादी में क्या देना है क्या लेना है कितने मेहमान आ रहे हैं कितना यू uh, नो you know, कितना स्पेंड हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट जो मुझे समझ नहीं आता था बिकॉज ये जो पूरा डिपार्टमेंट था वो मेरे डैड हैंडल कर रहे थे तो आई थॉट मे बी इट्स अ जनरल कॉन्वर्जेसन पर वो जनरल कॉन्वर्जेसन धीरे धीरे मजाक मस्ती में कि मुझे कार मिलेगी कि नहीं मिलेगी हानी मुन के पैसे कौन दे रहा है तो आई यूज टू देन आई स्टार्ट टेलिंग दिस टू माई डैड एंड शादी के ठीक फोर डेज पहले मुझे किसी का कॉल आता है वो कॉल मतलब मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ एंड वो कॉल एक अननोन नंबर से आता है तो फर्स्ट थिंग दैट वी सी इज़ ट्रू कॉलर अब ट्रू कॉलर में जब मैंने किसी का नाम देखा तो मुझे ऐसे लगा किसी गर्ल का नाम है तो मैंने वो गर्ल का नाम देखा तो मुझे समझ नहीं आया मैंने वापस से किसी और के फ़ोन से मैं अपने फ़ोन से कर रही थी फ़ोन नहीं उठाया फिर मैंने डैड के फ़ोन से किया तो आई गॉट टू नो दैट दिस गर्ल इज़ सम्बडी हु नो इज़ दैट गाए सो मुझे ऐसे लगा कि हु इज शी एंड शी वॉन्टेड टू नो दैट हु दैट गाए इज़ मैरिंग तो मुझे ये सब चीज़ें अटपटी लगी मैंने सबसे पहले अगेन अपने डैड को बताया डैड ने बात की कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया मुझे एंड उसको एंड ऐसे अगेन वो चीज़ें इस तरह से घूम गई कि ठीक है मेरे कोई था कोई पीछे पड़ा था ये वो सब तो फिर अगेन मुझे लगा कि चलो मैं शायद रॉन्ग सोच रही हूँ शायद जो मेरे पेरेंट्स हैं वो शायद समझते हैं या मेरे अंदर का यू you नो know, मेरा इमेज जो मेरी फैमिली में था मैं बचपन से आउटस्पोकन आउट स्पोकन रही हूँ हंसी मजाक एंड यू you नो know, कुछ कुछ चीज़ें मैं बहुत ही स्टबन चाइल्ड थी तो सबको ऐसे लगा मे बी ये ओवर रिएक्ट कर रही है या कुछ ज़्यादा सोच रही है क्योंकि मैरिज में गर्ल के यू नो इमोशंस होते हैं वो ज़्यादा सोच लेती कि सब ठीक होगा कि नहीं होगा तो इसी तरीके से शादी हो गई शादी के कुछ हफ्ते बाद ही uh, हर चीज़ में दैट यू डोंट लुक गुड आई एम नॉट हैप्पी विद यू तू इतनी काली क्यों है तू फेनेस क्रीम लगा तू इतनी पतली है आई मीन आई यूज टू थिंक के अरेंज मैरिज करी है तो डेफिनेटली देख के ही हाँ बोला है इट्स नॉट समबडी हैज़ फर्स्ट सम वन इन टू दिस मैरिज एंड वो फर्स्ट इंस्टेंट था फिजिकल अब्यूज़ का एंड वहाँ पर मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं वहाँ शायद वो स्टेप ले लेती कि आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस तो शायद ये और मेरी आगे की शायद स्टोरी ही नहीं होती तो वहाँ पर मुझे लगा शायद अगेन मैं ज़्यादा सोच रही हूँ बात हो गई ख़त्म हो गई वो इंसिडेंट से हर एक चीज़ के मैं घर नहीं संभाल सकती हूँ मैं मैं परफेक्ट नहीं करती हूँ मैं ये नहीं करती हूँ अब द पर्सनैलिटी लाइक मी अगर तो कोई मुझे लैपटॉप देता है मैं उसको ठीक कर दूँगी मैं घर का वाईफाई स्टार्ट कर सकती हूँ परफेक्टली बट घर का काम क्योंकि आई एम ए एम यू नो आई हैव डन माई एम बी ए तो घर का काम कभी परफेक्ट किया नहीं क्योंकि मैं जॉब करती थी एंड ये पहले से ही सामने वाले को पता था कि मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ पर हर एक चीज़ एक्सपेक्टेशन के मैं हर एक चीज़ परफेक्ट करूँ वो होती थी और जब मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि इसी के चक्कर में आपके सामने जब कोई बंदा खड़ा है आपको बोल रहा है तो ये नहीं करी तो वो नहीं करी यू स्टार्ट लूजिंग योर कॉन्फिडेंस और जो आप चीज़ अच्छी भी करते हो वो आप चीज़ नहीं कर सकते हो ये सब चीज़ें मैंने डैड को बताई अब एज अ फादर सोसाइटी प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा कि बच्ची का घर बस जाए किसी भी तरीके से अ फादर नो इज़ दैट शी इज़ नॉट हैप्पी बट ही वॉन्ट्स टू सेव इट एंड तक तो मेरे डैड ने मुझे बोला ठीक है इफ़ यू यू नो ट्राई टू बी काम बिकॉज यहाँ पर मैंने ना इंडिया में ये चीज़ देखी है कि जब कुछ भी फिजिकली होता है या कुछ भी झगड़ा होता है तो पहला क्वेश्चन किया जाता है गर्ल को कि इसने प्रवोक किया होगा ये ज़्यादा बोलती होगी ये ज़्यादा ऊंची आवाज में बात करती होगी बट कभी सामने वाले से पूछा नहीं जाता कि तूने ऐसा क्या किया यू डो नॉट हैव राइट टू फर्स्ट ऑफ ऑल गेट फिज़िकल गेट वर्बल विद एनी यू नो वर्बली तुम किसी को अब्यूज तुम कर क्यों रहे हो देर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट तो ये यहाँ पे यही होता था उस दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई तो अब क्या होता है मुझे भी अपनी शादी कहीं ना कहीं बचानी थी तो मुझे ये लगा अगेन वो वो मतलब वो बोलते हैं ना एक होप ऐसी चीज़ थी कि मैं दीवार पे सिर मार रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि दीवार टूट जाएगी तो मेरे लिए वही होप थी कि दिस मैरिज विल वर्क इफ़ द चाइल्ड कम्स इन द वर्ल्ड जबकि मेरे मॉम ने मतलब बहुत ज़्यादा रो के मुझे बोला था स्मृति डोंट टेक द चांस मतलब अभी भी टाइम है यू कैन अबाउट इट बट मैंने तब तक बच्चे की हार्ट बीट सुन ली थी एंड मेरे लिए उस समय ये डिसीजन लेना मुझे ऐसे लगता था मैं नहीं ले पाऊँगी एंड आई डो नॉट वॉन्ट टू डू सच अ थिंग बिकॉज आई हैव यू नो ही इज मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे को अपॉड करने की बहुत बड़ी चीज़ है मैं नहीं कर पा रही थी बेटर होने से ज़्यादा थिंग्स वर्स्ट होने लगी अब हर एक छोटी सी चीज़ चादर ऐसी है ऐसी नहीं है उस चीज़ पे ऐसा फिजिकल होने लगा दैट आई गॉट मार्क्स ऑन माई फेस एंड माई आई एंड आई यूज टू कवर इट फ्रॉम द फाउंडेशन और मेरी जो मेड आती थी घर पे वो वो बोलती थी आपको क्या हुआ है ये तो मैं उसको कुछ कुछ भी बहाना लगा के बोल देती थी, थी कि ये ऐसा है या यू you नो know, ऐसा मतलब इतना ऐसे मतलब ये चीज़ें होने लगी कि आई यूज टू गेट मार्क्स एंड देन सेकेंड डे दैट पर्सन यूज टू बेंड डाउन ऑन माई नीज आई एम सॉरी तू मुझे मत वो किया कर डोंट आर्ग्यू इन फ्रंट ऑफ मी ऐसा होगा नहीं सो so, मेरे अंदर ये एक डर बैठ गया था कि मे बी मैं जैसे ही कुछ बोलने जाऊँगी एग्रेशन होगा और मेरी जैसी लड़की जो आउटस्पोकन थी she completely changed into a very timid personality. I stopped talking to people a lot. मुझे समझ नहीं आता था एक तरफ मैं बच्चा अकेले संभाल रही हूँ पूरी तरह से देर इज नो हेल्प दूसरी तरफ से मुझे अपनी शादी नहीं समझ में आ रही थी कि हो क्या रहा है कि मैं गलत सोच रही हाँ सामने वाला या मैं शायद मेरे अंदर कमी है तो मैं एटी परसेंट सोचती थी मुझे ही सब ठीक करना है मुझे ही सब ठीक करना है सो द लास्ट थिंग वॉज दैट इन अ माइन्यूट फाइट वेन ई केम टू यू नो फिज़िकली हिट मी माई सन वॉज इन माई आर्म्स एंड वो फिजिकली हिट में उसको लगा एंड थाइंग देर वॉज़ अ बेड एंड यू एक्चुअली फेल ऑन द बेड एंड आई सॉ इन एज आइज़ ही वॉज शिवरिंग विद फियर एंड आई सॉ इन दैट पर्सन आइज विद नो शेम एट ऑल कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है एंड नथिंग एट ऑल देर इज़ नो एन फुल ऑफ एग्रेशन दैट इज़ वेन क्योंकि हम यू you नो know, हमेशा जब फाइट होती थी I used to say, Why are you doing this? I used to cry. I used to shout, Why do you have to do this in front of the kid? Why? So, this time I just told him one thing thank you. And I just locked my door. He went out. I locked my door. I called the cops and I went to my neighbors. They helped me. And then the next day, I came back to my parents and they welcomed me with open arms. Yeah. Usually, happens, parents are more scared, but my parents were prepared because they knew this will happen. ये जितना होल्ड करेगी उतना टाइम लगेगा शी वॉन्ट बी एबल टू बिल्ड हर सेल्फ आप यू नो सो किड विल ऑल्सो सी वो भी इस तरह से बन जाएगा इधर ही बी वेरी टिमेड और ही बिकम वेरी वेरी एग्रेसिव एंड ही बिकम द सेम पर्सनैलिटी सो सो डिसीजन मैंने ले तो लिया बट देर आर सो मैनी लेबल्स सो मैनी थिंग्स दैट आई हर्ड दो ही तो थप्पड़ खाए हैं तीन ही तो थप्पड़ खाते हमने भी खाए हैं क्या हो गया इट इज सो कॉमन थोड़ी अपना कोई खर तोड़ देता है दिस वॉज फ्रॉम माई ओन रिलेटिव जो होते हैं जो आसपास बातें कर रहे थे वैन दे न्यू वैन दे केम टू नो दैट आई केम बैक सो यू नो दे स्टार्टेड आई कुड यू नो माई मॉम यूज टू क्राई दैट दिस आर द थिंग्स आई एम हियरिंग हाउ कैन पीपल बी सो मतलब यू नो

बच्चे को बाप का प्यार नहीं मिलेगा हाउ ही विल ग्रो एंड मेरे मन में यू नो ही बी कॉल्ड अ पर्सन फ्रॉम अ यू नो अ किड फ्रॉम अ ब्रोकन मैरिज एंड यू नो दैट टाइम आई जस्ट आई एक्चुअली यू नो आई आई हैड नो टाइम टू ओवर दिस आई हैड नो टाइम कि मैं जाके रोवूँ पीटूँ हाय मेरे साथ क्या हो गया व्हाट हैज़ हैपन टू मी वाई व्हाट विल आई डू आई हैड टू बिल्ट माई सेल्फ अब बिकॉज आई हैड अ किड I needed to survive for him. I always had this mind that the relation which is already broken. उसको क्या लेके मैं चलूँ इससे अच्छा इट इज़ बेटर टू कम आउट ऑफ इट एंड बिल्ड योर ओन सेल्फ एंड दैट्स वेयर द एक्चुअल स्टल स्टार्ट बिकॉज आई हैड नॉट वर्क फॉर थ्री इयर्स आई हैड स्टॉप्ड वर्किंग आई हैड नथिंग इन माय हैंड एंड आई स्टार्टेड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर फ्रीलैंसिंग प्रोजेक्ट्स स्मॉल स्माल प्रोजेक्ट्स मैंने उठाना शुरू किया फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड सेवन थाउजेंड एंड आई वर्क लेट नाइट्स आई आई यूश टू ब्रेस्ट फीड माई बेबी एंड आई यू शू टेक द लैपटॉप इन फ्रंट एंड आई यू शू जस्ट यू नो डू समथिंग सो दैट आई गेट दिस वर्क आई गेट दैट वर्क So, from that day, I started getting my confidence back. I started working. I started getting a lot of projects. And I said, You know, now I am building myself up. The confidence which I had lost few years back, it's again come. I'm again the same old Smriti who is confident, who is outspoken, and who is not afraid of any person. And she's able to survive. She's able to take care of her son well so here i just want to tell one thing to indian parents that you know l lot of indian parents think that how will you know how will this work what will people think you have given birth to your daughter, you are paying her bills, you have bought her up to this level, you have educated her, not people. So, if she's not happy in a marriage, don't wait for the, you know, for the situation where, you know, the physical abuse will happen, then she'll get, you know, most, she'll become more unhappy. Stop right in there welcome her in her own house it, i was not earning initially but kahinaka i had that confidence that kuch na ho at least i will earn 10000 at least i will start from that so that confidence uh, you know parents can give to their you know children that you know you need to first set up your career if you like the story kindly let us know in the comment section below share and subscribe the channel and thank you so much for your time इट इज़ सेट दैट वेन यू एजुकेट वुमेन यू एजुकेट इन इंटायर जनरेशन नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की जिन्होंने सी एस करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी नीला प्रणाली आरती और उषा जी ने मिलकर स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट फाइनेंस बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर वन स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप एप स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें जोश टॉक्स इज नाउ अ स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट The audio version of our talks will be available only on Spotify. If you like this video and you like to listen to more inspiring stories like this, please follow the Josh Talks podcast only on Spotify. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.